मुंबई में हुए 26/11 के हमले में आतंकवादियों को मार गिराना हो, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से उग्रवादी सिख खालिस्तानियों को बाहर निकालना हो, या हाईजैक इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-427 को आतंकियों के गिरफ्त से छुड़ाना हो, NSG ने हर जगह अपना दमखम दिखाया है। NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये एक काउंटर टेररिज्म यूनिट है। NSG को फेडरल कॉन्टिंजेंसी फोर्स के रूप में देश के किसी भी हिस्से में आतंकवाद से जुड़े सभी पहलुओं से निपटने की जिम्मेदारी दी गई है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे NSG से जुड़े सभी एस्पेक्ट्स को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि व्हेन एंड व्हाई वाज NSG क्रिएटेड, NSG क्रिएट करने की नीड क्या थी। तो NSG कमांडो फोर्स को 16 अक्टूबर 84 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय बनाया गया था। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से उग्रवादी धार्मिक नेता को हटाने के लिए की गई भारतीय सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन ब्लू स्टार, अक्षरधाम मंदिर पर हमला और फॉर्मर PM इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद इस तरह की ताकत को बढ़ाने का ख्याल आया। इसे यूनाइटेड किंगडम के SAS और जर्मनी की CSG-9 की तर्ज पर बनाया गया। इसका गठन भारतीय संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कैबिनेट सचिवालय द्वारा 22 सितंबर 86 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। NSG मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के सुपरविजन में काम करता है और इसका नेतृत्व इंडियन पुलिस सर्विस का डायरेक्टर जनरल करता है। होम मिनिस्ट्री के तहत 7 सेंट्रल आर्म फोर्स पुलिस फोर्स आती है, उसमें से एक नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है जिन्हें हम ब्लैक कैट कमांडो भी कहते हैं, क्योंकि ये ऊपर से नीचे पूरी तरह से काले कपड़े में होते हैं। NSG में 10,000 एक्टिव कमांडोज होते हैं। इन कमांडोज की सीधी भर्ती NSG में नहीं होती है, बल्कि इसकी ट्रेनिंग के लिए इंडियन आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के सबसे बेहतरीन सोल्जर्स को चुना जाता है। NSG में चुने जाने वाले कमांडोज में 53% कमांडो इंडियन आर्मी से आते हैं, बाकी 45% कमांडो CRPF, ITBP, RAS और BSF चुने जाते हैं। आर्मी में कम से कम 10 साल काम करने के बाद ही NSG कमांडो की ट्रेनिंग की जा सकती है। कमांडो बनने के लिए आए उम्मीदवारों को सबसे पहले एक हफ्ते की मुश्किल ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता है। इस ट्रेनिंग के दौरान ही करीब 80% सैनिक या तो फेल हो जाते हैं या ट्रेनिंग छोड़कर चले जाते हैं। कई टेस्ट के बाद बचे हुए सोल्जर्स को इसके बाद 90 डेज की और कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें इन सैनिकों को हथियारों के साथ लड़ाई करने के साथ साथ बिना हथियारों के दुश्मनों पर हमला करना और उनके हमले से बचने के लिए ट्रेन किया जाता है। ब्लैक कैट कमांडो को एक गोली से एक जान लेने की ट्रेनिंग दी जाती है। कमांडो को आंख बंद करके निशाना लगाने से लेकर अंधेरे में निशाना लगाने तक की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इन कमांडोज को बैटल असॉल्ट ऑब्स्टिकल कोर्स और CTCC काउंटर टेररिस्ट कंडीशनिंग कोर्स की भी ट्रेनिंग दी जाती है। NSG की इस 3 महीने की मुश्किल ट्रेनिंग को पास करने वाले सैनिक देश के सबसे खतरनाक और ताकतवर कमांडो यानी कि ब्लैक कैट कमांडो कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ NSG। NSG का मोटो सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है और इनका काम सिर्फ आतंकवादियों से निपटना ही नहीं है, VIPs की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी NSG पर होती है। फॉरेन यात्रा के दौरान ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और बाकी डिग्निटरीज को प्रोटेक्शन देते हैं। इंडिया के फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑर्डर पे ये स्टेट और गवर्नमेंट के हेड्स, बिजनेस लीडर्स और डिप्लोमेट सहित फॉरेन डिग्निटरीज की विजिटिंग के दौरान टाइट सिक्योरिटी देते हैं। साथ ही बाकी देशों में इंडियन हाई कमीशन को सिक्योरिटी देते हैं। आतंकवादियों द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को सेफली रेस्क्यू करते हैं, जैसे कि 26/11 के मुंबई हमले के दौरान ताज होटल में रेस्क्यू मिशन NSG द्वारा ही किया गया था। ये कमांडो बॉम्ब डिफ्यूज करते हैं और पोस्ट ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन PBI यानी किसी भी बम धमाके की घटना के बाद इन्वेस्टिगेशन का काम करते हैं। NSG कमांडो सीक्रेट मिशन करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक इन या फिर युद्ध से पहले जासूसी मिशन में तैनात रहते हैं। NSG के पास 5 तरह की टीम्स है जो अलग अलग मिशंस के लिए बनाई जाती है। ये टीम खतरनाक मिशंस को हर हाल में कामयाब बनाने की कोशिश करती है। ये 5 टीमें SAS स्पेशल एक्शन ग्रुप, SRG स्पेशल रेंजर ग्रुप, SCG स्पेशल कॉम्पोजिट ग्रुप, ESG इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट ग्रुप, NBDC नेशनल बॉम्ब डाटा सेंटर। अब हम बात करेंगे कि वेपन्स यूज बाय NSG कमांडो। तो NSG कमांडो जो वेपन यूज करते हैं उसमें होते हैं ग्लॉक 17 पिस्टल, सिग सब मशीन गन, ग्लॉक डैगर, कॉर्नर शॉटगन, सिग SG-551 असॉल्ट राइफल, बेरेटा AR-70/90 असॉल्ट राइफल, टेवर बुल पप राइफल, बेरेटा स्नाइपर राइफल, फ्रांची SV AS-15 शॉटगन, M249 लाइट मशीन गन,
हेकलर एंड कॉट स्नाइपर राइफल, हेकलर एंड कॉट सब मशीन गन, सिख सब मशीन गन्स, ग्लॉक डैगर्स एंड कॉर्नर शॉटगन जैसे हथियारों से लैस होते हैं। अब हम बात करेंगे ऑनर्स एंड अवार्ड्स ऑफ एनर्जी। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड अपने कमांडोज को उनकी वीरता और बहादुरी के लिए आर्मी गारंटी अवार्ड, इंडियन पुलिस मेडल फॉर सर्विसेज, पुलिस मेडल फॉर गारंटी और प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विसेज जैसे अवार्ड से सम्मानित करती है। अब हम बात करें कुछ मिशन जो दिट वाज अंडरटेकन बाय एनएसजी। एनएसजी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लैक थंडर, ऑपरेशन अश्वमेघ, ऑपरेशन थंडरबोल्ट, ऑपरेशन ब्लैक टोनेडो जैसे कई सक्सेसफुल मिशंस को अंजाम दिया है जिससे देश की काफी फायदा हुआ है। ऑपरेशन ब्लैक थंडर नाम उन दो ऑपरेशंस को दिया गया है जो 86 और 88 में स्वर्ण मंदिर में बचे हुए खालिस्तानियों को निकालने के लिए चलाया गया था। इस ऑपरेशंस को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के ब्लैक बैट कमांडो ने अंजाम दिया था। इस ऑपरेशन की कमान पंजाब पुलिस के GDP कंवर पाल सिंह गिल ने संभाली थी। इस ऑपरेशन में स्नाइपर्स का इस्तेमाल किया गया था। ऑपरेशन अश्वमेघ तब चलाया गया जब साल 1993 में इंडियन एयरलाइंस के एक विमान IC-427 को हाईजेक कर लिया गया था। इस विमान को हिजबुल के आतंकी मोहम्मद यूसुफ शाह ने हाईजेक किया था। ऑपरेशन अश्वमेघ को रात 1 बजे शुरू किया गया था और एनएसजी कमांडो ने अपना दम दिखाते हुए विमान में सवार 6 क्रू मेंबर सहित 141 पैसेंजर्स को सुरक्षित बचा लिया था। ऑपरेशन थंडरबोल्ट या व्रज शक्ति 24 सितंबर 2002 को दो सशस्त्र हमलावरों ने गांधीनगर गुजरात के अक्षरधाम मंदिर परिसर पर हमला किया। उन्होंने 30 लोगों को मार डाला और 80 से अधिक लोगों को घायल कर दिया। एनएसजी ने इसमें हस्तक्षेप किया, अगले दिन घेराबंदी खत्म कराई और आतंकवादियों को मार गिराया। बाद में 6 आरोपियों को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया। ऑपरेशन ब्लैक टोनेडो 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान से आए 10 आतंकवादियों की गोलीबारी और बम धमाकों से पूरा मुंबई दहल गया। आतंकवादी ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, कामा हॉस्पिटल और लियोपोल्ड कैफे में सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया और फिर ताज सहित 3 होटलों को निशाना बनाया। 4 आतंकियों ने ताज होटल में सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया। इनमें से कई लोगों को फिर तो उन्होंने मौत के घाट उतार दिया था। इन हमलावरों से निपटने के लिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को मैदान में उतारा गया। लगातार 60 घंटे तक चले ब्लैक टोनेडो ऑपरेशन में एनएसजी कमांडो ने 4 टेररिस्ट को ढेर कर दिया और 300 लोगों को सुरक्षित बचा लिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर हमारी आज की वीडियो। एनएसजी के बारे में A to Z डिटेल जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।